नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है अमावस्या व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं और सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। हरि प्रेमियों, हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्शन अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन हिंदू मृत पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक तर्पण करते हैं और यह भी कहा जाता है अगर आप इस दिन व्रत रखते हो तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। हिंदू लोग इस व्रत को चंद्रमा या चंद्रमा को समर्पित करते हैं। इस दिन के पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो इस तरह है। प्राचीन समय में 12 सिंह आत्माएं थी जो सोम रस पर रहती थी। एक बार की बात है, बारिश दास ने गर्भ धारण किया और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अच्छोदा था। वह दुखी बहुत रहती थी क्योंकि उसके पिता नहीं थे और इसके परिणाम स्वरूप ही वह पिता के प्यार की बहुत ही इच्छा रखती थी, कामना करती थी। वह बहुत रोती रहती थी पिता को पाने के लिए। पितरलोक में आत्माओं ने उसे पृथ्वी पर राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म देने लेने की सलाह दी। अच्छोदा ने उनकी सलाह पर अमल किया और राजा अमावसु की बेटी के रूप में जन्म ले लिया, जो बहुत ही महान राजा थे। अपनी इच्छा के अनुसार उसने अपने पिता का प्यार मिला और देखभाल भी मिली और संतुष्ट महसूस किया अपने आप को। जैसे जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, उसने पितरों को उनकी बहुमूल्य सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने का फैसला कर लिया और इसलिए पितृलोक के कैदियों के लिए पितृ पूजा की व्यवस्था कर दी, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसी दिन करते हैं और उस तरह उस दिन को अमावस के नाम से जाना जाने लगा। तब से अमावस्या के दिन पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण किया जाता है और यह रिवाज चालू हो गया। यह थी दर्शन अमावस्या व्रत कथा जिसके करने से पितरों की मुक्ति होती है। हरि प्रेमियों, आपको यह छोटी सी अमावस्या की पौराणिक कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।